हाँ जी, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से लाइव कनेक्ट हो जाए। चैनल नहीं मिला। हाँ, मिशन है हिंदी। प्रवीण मंडिया, नमस्ते भाई। चलिए एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, फिर आगे टॉपिक की बात करें। जोगेंद्र वर्मा, गुड इवनिंग। प्रवीण मंडिया, आज क्लास क्यों नहीं हो रही है? भाई प्रवीण, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, सुबह से लाइट ख़राब हो रही थी। तो सुबह की क्लास तो इन्वर्टर से हो गई थी, लेकिन अब बस इन्वर्टर भी साथ छोड़ गया था, इसलिए क्लास के लिए आज मिस कर दी थी क्लास। अभी हाँ, अभी दोबारा से एक तरीके से लाइट अभी आई है, तो दोबारा से अब अपने चैनल पे तो अब सुबह ही आएंगे, एकेडमी के चैनल पे। तो ये मेरा पर्सनल चैनल है, उस पर हम बात कर रहे हैं। प्रिया यादव, गुड इवनिंग। चिन्नू, गुड इवनिंग। तो एकेडमी के चैनल पे तो आपको सुबह ही क्लास मिलेंगी, और एकेडमी के चैनल पे जो आपका सिलेबस चल रहा है वही चलेगा, जो आपका टॉपिक चल रहा है वही टॉपिक चलेगा। यहाँ मैं एक अलग टॉपिक की बात कर रहा हूँ। इस चैनल पे बहुत दिनों से एक टॉपिक की डिमांड आ रही थी, बहुत दिनों से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर अलंकार करवाइए। तो आज मैं आपसे अलंकार की बात कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अलंकार। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पहले कभी अलंकार पढ़ा हुआ नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन मैं बताता हूँ कि बहुत सरल टॉपिक है अलंकार का टॉपिक, बस आपको केवल समझते रहना है। सिद्ध यादव, गुड इवनिंग। तो चलिए अलंकार के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। क्या है अलंकार, आप कंटिन्यू समझते रहेंगे। जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक आप मेरे साथ कंटिन्यू लाइव बने रहें, बीच में बस स्किप मत करना, कंटिन्यू देखते रहना। जब तक मैं क्लास ले रहा हूँ तब तक आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं, देखिए अलंकार की, अलंकार क्या है दोस्तों। ये जो अलंकार शब्द है, ये देखिए अलम प्लस कार, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अलम प्लस कार से मिलकर बना अलंकार। अब यहां पर अगर हम अलम शब्द की बात करें तो अलम का अर्थ होता है शोभा, और कार का अर्थ होता है करने वाले। अलम का अर्थ हुआ शोभा और कार का अर्थ हो गया करने वाले, यानी अलंकार का अर्थ क्या हो गया, शोभा करने वाले, या मैं कह सकता हूं शोभा बढ़ाने वाले, या फिर मैं कह सकता हूं फिगर ऑफ स्पीच। हाँ, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है, हिंदी में अलंकार बोला जाता है। तो अलंकार का अर्थ हो गया शोभित करने वाले या फिर शोभा बढ़ाने वाले। अब जो किसी की भी शोभा बढ़ाते हैं या जो किसी को भी शोभित करते हैं वही अलंकार कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे एक औरत होती है, जब वो औरत गहने पहन लेती है, जब वो आभूषण पहन लेती है, तो आभूषण पहनने के बाद उसकी शोभा में वृद्धि हो जाती है। तो एक नारी, एक औरत की जो शोभा बढ़ाते हैं वो कौन बढ़ाते हैं, उसके आभूषण। तो आभूषणों को भी हम क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। जो शोभा बढ़ा रहे हैं बस वही अलंकार है, यानी आभूषणों को भी अलंकार कहा जाता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं भाषा के अर्थ में, तो देखिए भाषा के अर्थ में कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है जिससे भाषा की शोभा में वृद्धि हो जाती है, तो उन शब्दों को अलंकार कहा जाता है। जैसे प्लस वन प्लस टू में आपने एक पद काफी बार पढ़ा होगा, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही के नारी है कि नारी ही के सारी है। देखिए बोलने में ही कितना अच्छा लगता है, वो अलंकार का ही एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। तो अलंकार का सीधा सा मतलब हो गया कि जो शोभा में वृद्धि करते हैं, किसी की भी शोभा में वृद्धि करते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो अलंकार संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया गया, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों आचार्य भाम है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामे माने जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि आचार्य भामे संस्कृत में अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है,
तो संस्कृत में अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य भामे, जबकि अगर हम बात करें हिंदी में तो हिंदी में अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य केशवदास। हिंदी में अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य केशवदास। दोनों प्रश्न आप अलग अलग याद रख लेंगे कि संस्कृत में अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामे, या फिर आपसे सीधा पूछा जाए कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो भी आपका आंसर आचार्य भामे ही होगा। लेकिन अगर स्पेशली हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य केशवदास। इन केशवदास की अलंकार के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति भी है, और वो पंक्ति क्या है आचार्य केशवदास की, वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, वो आप देख लें एक बार। देखिए केशवदास जी की पंक्ति है अलंकार के बारे में, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सोवरण सरस सोव्रत भूषण बिनु ने विराजई कविता वनिता मीत। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवर्त भूषण विनुने विराजई कविता वनिता मीत, ये जो पंक्ति है ये आचार्य केशवदास जी की है। अब यहां पर देखिए, ये जो नीचे वाली दो पंक्तियां हैं ये एक बार एग्जाम में डाल दी गई और पूछा क्या गया कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं, पूछा गया कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं। ऑप्शंस डाले गए आचार्य केशव, आचार्य कवि भूषण, इस प्रकार से चार ऑप्शन कोई भी बना दिए गए, और यहां पर हमारे बहुत सारे साथियों का आंसर चला गया कवि भूषण, क्योंकि हमें तो एक बात रटी हुई है, जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, हम तो रट के बैठ गए, जहां रहीम जी का नाम आ गया वो रहीम की पंक्ति, जहां तुलसी का नाम आ गया वो तुलसी की पंक्ति, और जहां भूषण का नाम आ गया मतलब भूषण की पंक्ति। तो ध्यान रखना ये कवि भूषण की पंक्ति नहीं है, ये आचार्य केशवदास की पंक्तियां हैं। आचार्य केशवदास जिन्होंने अलंकार के बारे में कहा है कि यद्यपि यानी चाहे सुजाति अच्छी जाति की हो, सुलक्षणी चाहे अच्छे लक्षणों वाली हो, सुवर्ण वर्ण का अर्थ होता है रंग, चाहे अच्छे रंग वाली हो, सरस चाहे रस से परिपूर्ण हो, और चाहे सुव्रत चाहे अच्छे आचरण वाली हो, लेकिन भूषण यानी आभूषणों के बिना कोई भी नारी शोभा नहीं देती। चाहे कोई भी नारी, चाहे वह अच्छे रंग वाली, अच्छे जाति वाली, अच्छे लक्षणों वाली, रस से परिपूर्ण, चाहे कैसी भी नारी है, लेकिन वो आभूषणों के बिना शोभा नहीं देती। ये पंक्ति है आचार्य केशवदास जी की है। तो ये तो हमने बात कर ली अलंकार के बारे में, चलिए अब हम बात करते हैं एक एक अलंकार को उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ यमक अलंकार टॉपिक को, अब आप समझना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यमक अलंकार, देखिए क्या है यमक अलंकार। ये जो शब्द आपके सामने आ रहा है यमक, इस यमक शब्द का अर्थ होता है जोड़ा, पेयर। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, वैसे आप यहीं से समझेंगे। मैंने कहा कि यमक शब्द का अर्थ है जोड़ा, जैसे यहां पर क्या होगा कि कोई भी शब्द जोड़े से आएगा, जोड़े से आएगा मतलब एक से अधिक बार आएगा, और जितने बार शब्द आएगा उतने ही बार अलग अलग अर्थ देखकर जाएगा। जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है और अलग अलग अर्थ देता है वो ही यमक अलंकार होता है। यानी यमक अलंकार की परिभाषा, यमक अलंकार का लक्षण क्या है कि जहां शब्द की आवृत्ति होती है और वो अलग अलग अर्थ देता है वो यमक अलंकार है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका लगभग सभी का पढ़ा हुआ होगा कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। वहां पर कनक शब्द रिपीट हुआ, कनक शब्द दो बार आया, एक बार कनक का अर्थ आता है सोना, तो एक बार कनक का अर्थ आता है धतूरा, कि सोने में धतूरे से सोगुना अधिक मादकता होती है, एक को खाने से नशा होता है तो दूसरे को पाने से ही नशा हो जाता है। ये एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपका लगभग सभी का पढ़ा हुआ एग्जाम्पल है। तो जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आएगा और अलग अलग अर्थ देखकर जाएगा वो होगा दोस्तों यमक अलंकार। तो ये एग्जाम्पल तो आपका सभी का लगभग पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा। अब आप और अलग अलग एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा देखिए काली घटा का घमंड घटा,
काली घटा का घमंड घटा। अब यहां पर देखिए घटा शब्द रिपीट हो गया, ये जो घटा शब्द है ये घटा शब्द दो बार आया है। अब यहां इनमें से इस घटा का अर्थ हो जाएगा बादल, यानी काले बादल का घमंड घटा, यानी काले बादल का घमंड कम हो गया। इस घटा का अर्थ क्या हो गया? कम होना। अब घटा का एक अर्थ बादल भी होता है और घटा का एक अर्थ कम होना भी होता है, जैसे घटाना यानी कम करना। तो यहां पर घटा शब्द दो बार आया और दोनों बार अलग अलग अर्थ इसने दिए हैं, तो ये कहलाएगा यमक अलंकार। जैसे अगर मैं बात करूं सजना है सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहां पर देखिए ये जो सजना शब्द है ये रिपीट हुआ है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना शब्द यहां पर रिपीट हो गया। अब आपको पता है कि यहां पर सजना शब्द के दोनों बार अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। यहां अगर मैं बात करूं तो सजना है मुझे यानी मुझे श्रृंगार करना है, इसका अर्थ तो आ गया श्रृंगार, और सजना है मुझे सजना के लिए तो इस सजना का अर्थ आ गया प्रियतम, यानी मुझे प्रियतम के लिए श्रृंगार करना है। दो बार सजना शब्द आया और दोनों बार इसने अलग अलग अर्थ दिए, तो ये कहलाएगा दोस्तों यमक अलंकार। रोमा यादव, सजना एक मेकअप और सजना एक पतिदेव, बिल्कुल सही है। सजना का एक अर्थ हो जाएगा मेकअप करना, श्रृंगार करना, और सजना का एक अर्थ देखिए पतिदेव तो हम स्पेशली नहीं कह सकते, वो कोई भी हो सकता है, वो पति भी हो सकता है, वो प्रेमी भी हो सकता है, तो मैं एक ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा और वो शब्द रहेगा प्रियतम, चाहे वो फिर कोई भी है। मिस चिक्कू, गुड इवनिंग। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करें। देखो इस चीज को आपको मैं एक सीधी से बात बताता हूँ, जो भी आपके हिंदी सॉन्ग्स हैं ना, जितने भी हिंदी के गाने हैं, कोई भी गाना सुन लेना, हर एक गाने में कोई ना कोई अलंकार जरूर मिलेगा। कोई भी सॉन्ग सुन के देख लेना, हर एक में कोई ना कोई अलंकार मिलेगा। अब मैं अलंकार के लक्षण आपको बता रहा हूँ, गाने आप लगभग सभी सुनते ही हैं, तो उनमें से आप अलंकार छांट के देख लेना। जैसे मैंने कहा यमक के बारे में कि यमक का अर्थ होता है जोड़ा, यानी शब्द एक से अधिक बार आएगा और अलग अलग अर्थ देखकर जाएगा। अगर मैं गाने का एग्जाम्पल बताऊं तो आपने लगभग सभी ने एक सॉन्ग सुना होगा जा बेवफा जा, अल्ताफ राजा का एक बहुत फेमस सॉन्ग था जा बेवफा जा। जब वो सॉन्ग शुरू होता है तो उससे पहले एक कुछ एक वाक्य बोले जाते हैं, आपने सुने होंगे कि एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए। वो यमक अलंकार है, जहां आप कह रहे हैं कि मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए। अब वहां पर देखिए मरहम शब्द रिपीट हो रहा है, जहां पर एक बार मरहम का अर्थ आ रहा है घाव पर लगाया जाने वाला लेप, तो एक बार अर्थ आ गया मरहम गए यानी हम मर गए, बस वही यमक अलंकार होता है। मिस चिक्कू, सर रेवाड़ी से ही पढ़ा रहे हो क्या? हाँ भाई बिल्कुल रेवाड़ी से ही पढ़ा रहा हूं। तो ये होता है दोस्तों यमक अलंकार, जहां पर शब्द रिपीट होता है और रिपीट होने के बाद अलग अलग अर्थ देखकर जाता है। तो ये तो मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स की बात की है, चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, ऊंचे गौर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे गौर मंदिर के अंदर रहती है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती हैं, और नग्न जड़ाती थी वे नग्न जड़ाती हैं। देखिए मैंने लिखा कि ऊंचे गौर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे गौर मंदिर के अंदर रहती है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती हैं,
और नग्न जड़ाती थी, वे नग्न जड़ाती हैं। अब ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों, कवि भूषण की पंक्तियां, यहां पर मैं सीधा सा आपको बता दूं कि जैसे एक राजा है, उसकी जो रानियां हैं, वो राजा रानियों को लेकर एक तरीके से जंगल में जा चुका है, निर्वासित हो चुका है, तो उन रानियों के महलों में रहते हुए क्या दशा थी और जंगल में रहते हुए क्या दशा है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। किस प्रकार, देखिए, ऊंचे गौर मंदिर के अंदर, ऊंचे गौर का अर्थ आएगा विशाल मंदिर यानी महल, कि ऊंचे विशाल महलों के अंदर रहने वाली, ऊंचे विशाल महलों के अंदर रहने वाले, ऊंचे गौर मंदिर के अंदर रहती हैं, कि जो ऊंचे विशाल महलों के अंदर रहने वाली जो रानियां थी, वो रानियां ऊंचे विशाल मंदिर, मंदिर का एक अर्थ होता है देवालय, मंदिर मस्जिद देवताओं के जो स्थान होते हैं, और मंदिर का एक अर्थ होता है गुफा। तो जो ऊंचे विशाल महलों में रहने वाली जो रानियां थी, वो रानियां अब विशाल गुफाओं में रह रही हैं। अब यहां पर देखिए, ये शब्द रिपीट हुआ, दो बार आया और दोनों ही बार अलग अलग अर्थ देकर चला गया, तो एक तो ये यमक अलंकार हो गया। अगली पंक्ति में यदि हम देखें, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती हैं, कि जो रानियां महलों में रहते हुए तीन बेर यानी तीन बार खाती थी, जो तीन बार भोजन करती थी, वे जंगल में तीन बेर खाती हैं, वो जंगल में तीन बेर, बेर आप सभी जानते हैं एक छोटा सा फल, वो तीन बेर खाकर गुजारा कर रही हैं, जो तीन बार भोजन करती थी वो तीन बेर खाकर गुजारा कर रही हैं, और विजन डुलाती थी वे, विजन डुलाती हैं, विजन का अर्थ होता है दोस्तों पंखा, इस विजन का अर्थ आ जाएगा पंखा, कि महलों में रहते हुए जिन रानियों के उनकी दासियां पंखा डुलाती थी, वे विजन डुलाती हैं, तो विजन का एक अर्थ जंगल भी होता है, वे जंगल में डोल रही हैं, जिनके उनकी दासियां पंखा डुलाती थी, पंखे से हवा करती थी, वो रानियां अब स्वयं जंगल में डोल रही हैं, और नग्न जड़ाती थी वे, नग्न जड़ाती हैं, नग्न का एक अर्थ होता है नगिन्ना, कि जो रानियां अपने आभूषणों में नगिन्ने जड़वाती थी, वे नग्न जड़ाती हैं, वे नग्न यानी नंगे शरीर, वे नंगे शरीर सर्दी से ठिठुर रही है, जड़ाना यानी सर्दी से ठिठुरना, जो रानियां महलों में रहते हुए अपने आभूषणों में नगिन्ने जड़वाती थी, वो रानियां अब जंगल में नंगे शरीर सर्दी से ठिठुर रही हैं। तो देखिए यहां पर शब्द रिपीट हुए, और जितने बार शब्द रिपीट हुए उतने ही बार उनके अलग अलग अर्थ आए। तो दोस्तों ये होता है यमक अलंकार। तृतीजा टेलो, गुड इवनिंग। तो जितने बार शब्द रिपीट हुए हैं उतने ही बार इनके अलग अलग अर्थ आए हैं, ये होता है दोस्तों यमक अलंकार। तो ये तो मैंने यमक के बारे में आपको बेसिक सी बात बताई है, यमक क्या है, जहां पर शब्द एक से अधिक बार आएगा और जितनी बार आएगा उतने ही अलग अलग अर्थ देकर जाएगा। अब मैं आपको बता दूं यमक अलंकार के भेद, देखिए यमक के कौन कौन से भेद हैं। देखिए यमक अलंकार के भेदों की अगर हम बात करें तो दोस्तों यमक अलंकार के दो भेद हैं मुख्य रूप से, एक होता है अभंग यमक और एक होता है सभंग यमक। एक होता है अभंग यमक अलंकार और एक होता है सभंग यमक अलंकार। दो भेद यहां पर आपके चलेंगे। भंग का मतलब होता है टुकड़े करना, भंग का मतलब हुआ टुकड़े करना, और यहां पर आ गया ए, ए यानी बिना, और यहां पर आ गया स, स यानी सहित। देखिए एक का अर्थ हो गया बिना और से का अर्थ हो गया सहित। भंग का अर्थ मैंने आपको बता दिया टुकड़े करना, यानी जहां पर बिना टुकड़े किए शब्द अलग अलग आपको एक से अधिक बार दिखाई दे जाएगा, और यहां पर मैं कह रहा हूं भंग सहित यानी टुकड़ों सहित, यानी आप किसी शब्द के टुकड़े करेंगे तो फिर आपको शब्द अलग अलग दिखाई देगा। बाबूलाल गोदारा, गुड इवनिंग भाई। अभंग यमक में क्या होगा कि आपको किसी भी शब्द के टुकड़े नहीं करने, बिना ही टुकड़े किए आपको शब्द की आवृत्ति दिखाई दे जाती है, शब्द रिपीट होता हुआ दिखाई दे जाता है। जबकि सभंग यमक में आपको क्या करना है कि सभंग यमक में जब आप किसी शब्द के टुकड़े करेंगे, जब आप उसे भंग करेंगे तो टुकड़े करने के बाद आपको शब्द की आवृत्ति दिखाई देगी। जैसे अब तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे, चाहे मैंने लिखा काली घटा का घमन घटा, चाहे मैंने लिखा सजना है मुझे सजना के लिए, तो वहां पर आपने किसी भी शब्द के टुकड़े नहीं किए। जैसे मैंने कहा था काली घटा का घमन घटा, तो वहां पर घटा शब्द रिपीट हो रहा है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो वो तो हो जाएंगे अभंग यमक के उदाहरण। जैसे मैंने यही लिखा था, मैंने लिखा था काली घटा का घमन घटा। अब यहां पर आपको किसी भी शब्द के टुकड़े नहीं करने पड़ रहे, बल्कि बस आपको घटा शब्द क्लियर दिखाई दे रहा है, तो ये तो होगा दोस्तों अभंग यमक।
सर्वांगीयमक कौन सा होता है? जहां पर आप किसी शब्द के टुकड़े करते हैं और टुकड़े करने के बाद आपको उस शब्द में अलग अलग रिपीटेशन दिखाई देती है, वहां पर आवृत्ति दिखाई देती है। बाबूलाल गोदारा सर आपकी क्लास का टाइम क्या है? भाई साहब टाइम में अभी आपसे एक बार डिस्कस करूंगा, प्लीज मैं ये एग्जाम्पल कंप्लीट कर दूं, फिर मैं आपको कंप्लीटली सारी डिटेल बताऊंगा। तो अभंगियमक का अर्थ मैंने कहा कि जहां पर आप टुकड़े करेंगे, टुकड़े करने के बाद आपको आवृत्ति दिखाई देगी। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने लिखा यूं, पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। आपने सभी ने पढ़ा होगा सुभद्रा कुमारी चौहान को, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लगभग आपका सभी का पढ़ा हुआ होगा। अब ये जो पंक्तियां आपके सामने हैं कि यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, इन पंक्तियों में आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में आपको कोई भी शब्द रिपीट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर आप किसी शब्द के टुकड़े कर देंगे तो टुकड़े करने के बाद आपको एक शब्द रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। किस प्रकार से? देखिए यहां पर पर्दे शब्द है दोस्तों, अगर मैं इस शब्द के टुकड़े कर दूं तो यहां पर आ जाएगा पर्दे प्लस सी। जब मैंने इस शब्द को क्या किया, भंग किया है, क्या किया मैंने, इस शब्द के टुकड़े किए हैं, इस शब्द को मैंने भंग किया। जब आप किसी शब्द को भंग करते हैं, जब आप किसी शब्द के टुकड़े करते हैं, तो टुकड़े करने के बाद देखिए यहां पर शब्द आपको दिखाई देगा, पर्दे शब्द यहां भी आ गया और पर्दे शब्द यहां भी आ गया, तो यह कहलाएगा सभंगयमक। जब आप किसी शब्द के टुकड़े कर लेते हैं और टुकड़े करने के बाद आपको शब्द रिपीट होता हुआ दिखाई देता है तो वो कहलाता है दोस्तों सभंगयमक। और ये जो आपका होगा जहां पर बिना आप टुकड़े किए शब्द को देख सकते हैं वो होता है अभंगयमक। चलिए मैं और एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। जैसे मोहन अब मन माही है, मोहो ने अब मन माही, मैंने ये लिखा कि मोहन अब मन माही है, मोहो ने अब मन माही, यानी अब मेरे मन में मोहन है, मोहन अब मन माही है, अब मेरे मन में मोहन, मोहन यानी श्री कृष्ण है, मोहो ने, मोहो नहीं है अब मन माही, अब मेरे मन में मोह नहीं है। ये तो इसका अर्थ हो गया कि अब मेरे मन में मोहन है, अब मेरे मन में श्री कृष्ण है, यानी अब मेरे मन में सांसारिक मोह नहीं है। लेकिन यहां पर आपको शब्द रिपीट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं इस शब्द के टुकड़े कर दूंगा, अगर मैं इस शब्द के टुकड़े कर दूंगा तो यहां पर टुकड़े करने के बाद बन जाएगा मोह प्लस ने। अब यहां पर देखिए यह शब्द रिपीट हो गया, यानी यहां पर आपको सीधी शब्द की आवृत्ति दिखाई नहीं दी। आपको आवृत्ति कब दिखाई दी? जब आपने किसी शब्द के टुकड़े किए। तो जब किसी शब्द के टुकड़े करने के बाद आपको आवृत्ति दिखाई देती है तो वो कहलाता है सभंगयमक, और जब बिना टुकड़े की आपको आवृत्ति दिखाई देती है तो वो कहलाता है अभंगयमक। प्रिया यादव बिल्कुल सही बताया आपने कि आप मोहन के टुकड़े करेंगे तो आपको मोह शब्द रिपीट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये हमने बात की, देखिए यमक अलंकार की। अब आप एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि अलंकार के टॉपिक को अब मैं डेली आपके लिए लाइव क्लास लेकर आऊंगा। अलंकार के टॉपिक को क्या, हमारा जो दूसरा चैनल है उस दूसरे चैनल पर कंप्लीट क्लासें चल रही हैं, लेकिन उस पर अलंकार वगैरह, छंद वगैरह, रस वगैरह नहीं चलेंगे। जैसी मैथमेटिक क्लास, गुड इवनिंग, मैंने आपको बताया कि उस चैनल पर ये अलंकार छंद रस नहीं चलेंगे, तो मैं इसी चैनल पर आपके लिए ये चीजें लेकर आऊंगा। आपका और भी बहुत सारा मैटर यहाँ पर बचा हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बची हुई है, वो भी मैं यहाँ इस चैनल पर लेकर आऊंगा आपके लिए, इकोनॉमिक्स वगैरह। तो आप मुझे दो चीजों का टाइम आप मुझे एक बार बता दें तो अच्छा रहेगा कि आपके लिए कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा। तो आप जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं मुझे एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कि ये जो अलंकार हमने आज स्टार्ट किया है ये आपके लिए किस समय पर आपकी क्लास सुटेबल रहेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए टाइम सेट करूंगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ, आप एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। दो क्लासों का समय मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक हिंदी की क्लास और इकोनॉमिक्स की क्लास। प्रिया यादव एज यू विश, मिस चिक्कू ने कहा 5 बजे शाम को। भाई देखिए 5 बजे शाम को तो नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं क्लास से 5:30 बजे फ्री होता हूँ,
तो वो 5:30 बजे के बाद ही होगी। सिद्ध यादव ने कहा इवनिंग में रोमा यादव एज यू विश, मिस चिक्कू 10 बजे मॉर्निंग। भाई 10 बजे मॉर्निंग में भी नहीं हो पाएगी, वहाँ मेरी पोल्ट्री की क्लास होती है। सत्येंद्र कुमार नमस्ते भाई। तो चलिए, शायद आपका सभी का अलग अलग विचार है, आप में से 2-3 कैंडिडेट मुझे बता रहे हैं प्रिया यादव रोमा यादव कि एज यू विश यानी जैसा मुझे अच्छा लगे। तो फिर मैं आपको टाइम बता देता हूँ, अगर 1 बजे का दोपहर 1 बजे का टाइम रखा जाए, क्योंकि वो टाइम मैं तो भाई फ्री होता हूँ उस समय। हाँ रोमा बिल्कुल, मॉर्निंग में और क्लासेज होती हैं, वहाँ पर मेरी पोल्ट्री भी चल रही होती है मॉर्निंग में, और बाकी आपकी भी अलग अलग टीचर की क्लासेज चल रही होती हैं। तो चिन्नू कह रहे हैं कि सर जब आप कहें, मिस चिक्कू कह रहे हैं कि जब ठीक लगे, तो मेरे हिसाब से 1 बजे का टाइम मेरे लिए सूटेबल है। तो आप मुझे एक बार बता दीजिए सही रहेगा या नहीं दोपहर का 1 बजे। मैं देना चाह रहा हूँ आपको 2 क्लास, 1 क्लास दोपहर के 1 बजे और 1 क्लास शाम को 6 बजे। तो आप मुझे एक बार बता दीजिए दोपहर के 1 बजे और शाम को 6 बजे आपको किसी प्रकार की समस्या तो नहीं होगी। रोमा यादव, प्रिया यादव, चिन्नू, प्रवीण मांडैया। हाँ तो प्रवीण भाई मैंने फिक्स कर दिया कि आपकी 1 क्लास होगी दोपहर में 1 बजे और 1 क्लास होगी आपकी शाम को 6 बजे। सत्येंद्र कुमार सर पॉलिटिकल अच्छा पढ़ाते हो जी, भाई बस आप लोगों का प्यार है। प्रिया यादव, नो सर, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी फ़िलहाल पोल्ट्री की क्लास मेरी चल रही है, वो अकेडमी के चैनल पे चल रही है, ये मेरा पर्सनल चैनल है। इस पर्सनल चैनल पर आपको मैं हिंदी की क्लास दे रहा हूँ, अकेडमी के चैनल पर जो अकेडमी का चैनल है उस पर मेरी 2 क्लास आती हैं, एक हिंदी की क्लास आती है, हिंदी व्याकरण की क्लास, और एक पोल्ट्री की क्लास आती है जो कि सुबह चल रही है। इस चैनल पर मैं आपको 2 क्लासें देना चाह रहा हूँ, जिसमें एक आपकी रहेगी जीके की क्लास, जिसमें चाहे मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स में से कोई भी एक पोर्शन शुरू करूंगा, और एक क्लास मैं आपको दूंगा यहाँ पर हिंदी की। मैं इस चीज़ को पॉलिटिकल प्लस ज्योग्राफी आप बहुत अच्छे से करवाते हो सर, भाई बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण मांडे ने कहा साइकोलॉजी की ओर लगा दो, भाई साइकोलॉजी का टाइम शेड्यूल सेट हो चुका है प्रवीण भाई, साइकोलॉजी की क्लास मंडे से शुरू होगी, जो आपकी साइकोलॉजी क्लास स्टार्ट होगी वो मंडे से स्टार्ट होगी। रोमा यादव ज्योग्राफी प्लेस, ठीक है मैं इस चैनल पे ज्योग्राफी करवा दूंगा आपको। मिस चिक्कू मैं आपसे ही पढ़ी, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का प्यार इसी प्रकार बना रहे, ठीक है। शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, साइकोलॉजी की जो भाई डिमांड कर रहे हैं, साइकोलॉजी की क्लास आपकी मंडे से लगेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वो चैनल पर लगेगी अकेडमी के चैनल पर, और इस चैनल पर आपकी रहेगी। आपने जैसे कि बताया कि तो ज्योग्राफी की क्लास आप डिमांड कर रहे हैं, तो एक तो ज्योग्राफी की क्लास इस चैनल पर रहेगी आपकी, और एक हिंदी की क्लास, वो टाइम मैंने आपको बता दिया 1 बजे और 6 बजे। बस आपको थोड़ा सा ये जरूर देखना होगा कि कौन से चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच रहा है, उसी चैनल पर आपको जाना होगा, वो अकेडमी का चैनल जाता है या फिर वो मेरा पर्सनल चैनल जाता है। तो मैंने बता दिया कि 1 बजे और 6 बजे अकेडमी के चैनल पर, वहाँ पर हमारी कोई क्लास नहीं रहती, तो 1 बजे और 6 बजे वहाँ पर इस चैनल पर आपको क्लास देखनी है। तो धन्यवाद भाई, कल मिलेंगे आप अगली क्लास के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और लास्ट में मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर अब भी आपका किसी का कोई भी डाउट है तो इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वहां आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे नीचे, वहां व्हाट्सएप करके किसी प्रकार का डाउट आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई? ओके धन्यवाद।